हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम एलिंगम डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एलिंगम डायग्राम पर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है 2020 के अंदर। हो सकता है कि आपको एलिंगम डायग्राम पर क्वेश्चंस पूछा जाए। ठीक है, एलिंगम डायग्राम को अगर आपको समझना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेटलर्जी किसे कहते हैं। मेटलर्जी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को उसकी ओर से आइसोलेट किया जाता है। द प्रोसेस इन विच एलिमेंट्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि एक हेमेटाइट जो होती हैं Fe2O3, ये आयरन की ओर हैं। इसमें से अगर मैं आयरन को सेपरेट करूं तो ये प्रोसेस को मैं कहता हूं मेटलर्जी। इसी तरह से जिंक ब्लेंड, ये जिंक की ओर है, इसमें से मैं जिंक को आइसोलेट करता हूँ तो इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ मेटलर्जी। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत सारी स्टेप्स में होता है, बहुत सारी स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसी स्टेप्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होती हैं रिडक्शन ऑफ ओर। तो रिडक्शन ऑफ ओर में हम क्या करते हैं, ओर को किसी खास रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में, देखो ध्यान रखें, ओर को हम किसी खास रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में गर्म करते हैं तो उसके नतीजे में हमको मेटल जो है वो आइसोलेट होकर मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को Fe2O3 से हेमेटाइट से आयरन को आइसोलेट करना होता है तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करता हूँ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हेमेटाइट को रिड्यूस कर देता है और मुझे जो है आयरन आइसोलेट फॉर्म में मिल जाती है और नेटिव स्टेट में मिल जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो मैंने क्या किया हूँ, ओर से मुझे जब मेटल को आइसोलेट करना था तो मैंने एक ख़ास रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके उस मेटल को आइसोलेट कर दिया। तो अब क्वेश्चन ही पैदा होता है कि क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा भी कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो Fe2O3 हेमेटाइट से आयरन को जो है आइसोलेट कर सकता है, या कोई दूसरी जो मेटल्स हैं, जो दूसरी मेटल्स की जो ओर्स हैं उसमें से अगर मेरे को मेटल्स को आइसोलेट करना है तो कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का मैं इस्तेमाल करूँगा, और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ओर से मेटल को आइसोलेट करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन जो रेज हुआ है इसको हल करने के लिए, इसका सॉल्यूशन देने के लिए एलिंगम डायग्राम हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो एलिंगम डायग्राम जो होती है ये हमें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताती है कि कौन से मेटल के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा। अब हम देखते हैं कि एलिंगम डायग्राम किसे कहते हैं। देखिए, एलिंगम डायग्राम एक ग्राफ होता है, ये कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा बड़ी डायग्राम नहीं होती हैं, कोई हाथी की जैसी, एलिफेंट की जैसी कोई डायग्राम नहीं होती हैं, बल्कि एक ही ग्राफ होता है जो प्लॉट किया जाता है टेम्परेचर और गिब्स फ्री एनर्जी के दरमियान। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक ख़ास रिएक्शन लेते हैं और उस ख़ास रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और उस रिएक्शन में जो है टेम्परेचर के साथ साथ गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है उसके अंदर किस तरह से चेंजेस वाक़ हो रहे हैं, उसमें किस तरह से तब्दीली वाक़ हो रही है, इन दोनों के दरमियान जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो इस ग्राफ को मैं कहता हूँ एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम जो होती है इसमें एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को लिया जाता है जबकि वाई एक्सिस पर गिब्स फ्री एनर्जी को लिया जाता है। देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है ये हमको बताती हैं कि कोई भी रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होती है, कब वो जो है फिजिबल रिएक्शन होगी। देखिए, एक बात अब हमेशा के लिए याद रखें कि किसी भी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंजेस अगर निगेटिव में आ रहे हैं तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, वो रिएक्शन फिजिबल होगी, वो रिएक्शन आसानी से होगी। और अगर किसी भी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंजेस पॉजिटिव में आ रहे हैं तो वो रिएक्शन नॉन फिजिबल होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होगी।
अब हम ये देखेंगे कि एलिंगम डायग्राम हमसे कहना क्या चाहते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम, डायग्राम में नीचे की जानब मौजूद एलिमेंट ऊपर की जानब मौजूद एलिमेंट का आसानी से रिडक्शन कर सकती है। रिपीट कर रहा हूँ बात को, अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम नीचे की जानब मौजूद एलिमेंट ऊपर के जानब मौजूद एलिमेंट का आसानी से रिडक्शन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? डायग्राम में अगर आप गौर करेंगे तो नीचे की जानब मौजूद जो एलिमेंट हैं वो ऊपर के एलिमेंट का आसानी से रिडक्शन कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर मुझे आयरन का अगर रिडक्शन करना है, FeO से अगर मुझे आयरन को अलग करना है, उसका रिडक्शन करना है, तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो जो है आयरन वहाँ से आइसोलेट हो जाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगी, है ना। तो ये जो है एलिंगम डायग्राम बताती हैं कि नीचे मौजूद एलिमेंट ऊपर मौजूद एलिमेंट का आसानी से रिडक्शन कर सकती है। अब देखिए, एक बात यहाँ आपको और थोड़ी बात समझना ज़रूरी है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ मौजूद है वो सिर्फ नीचे जो है वो सिर्फ 600 केल्विन टेम्परेचर तक ही है, लेकिन अबव 600 केल्विन टेम्परेचर पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ है वो जो है ऊपर चला जाता है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ आयरन के ग्राफ से ऊपर है, यानी 600 केल्विन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को आप बिलो 600 केल्विन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अबव 600 केल्विन आप कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ अगर आप देखें, उसका ग्राफ जो है अबव 600 केल्विन, अगर आप 600 केल्विन के ऊपर अगर आप देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ आयरन के ग्राफ के ऊपर चला गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को 600 केल्विन के ऊपर आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप 800 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पर ग्राफ को देखें, इधर के इलाके को अगर आप देखें, तो आयरन के ग्राफ के नीचे जो है, जो आपको दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं, एक ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है और एक ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के इधर जाने आपको देख आप देखोगे कि आयरन के ग्राफ के नीचे दो ग्राफ है, एक ये ग्रे कलर का ग्राफ है और एक ये ऑरेंज कलर का ग्राफ है, और ये दोनों ग्राफ जो हैं वो कार्बन के हैं। मतलब ये हुआ कि अबव 800 केल्विन टेम्परेचर पर मैं कार्बन को भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मतलब ये हुआ, FeO को अगर मुझे रिड्यूस करना है तो मैं अबव 800 केल्विन टेम्परेचर पर कार्बन को भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कार्बन क्या करेगा, आयरन को रिड्यूस कर देगा और वहाँ से आयरन आइसोलेट हो जाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये बात आपको यहाँ मालूम पड़ गई है कि बिलो 600 केल्विन टेम्परेचर पर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन के रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जबकि अबव 800 केल्विन टेम्परेचर पर कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एलिंगम डायग्राम किस तरह से हमको ये बात बताती हैं कि कौन से टेम्परेचर पर कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का मैं इस्तेमाल कौन से जो है मेटल के लिए करूँगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि जब क्वेश्चंस अगर पूछा जाए ट्वेल्थ के अंदर या NCERT के अंदर या CBSE के अंदर, तो आप कौन सी बात को जो है उसके अंदर लिखोगे। इतनी सारी जो बकबक जो है आपके सामने की गई है, इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स को आप उसके अंदर लिखोगे। तो आप टेंशन ना लें, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स की लिंक आपको डाल लूँगा, आप डाउनलोड करके उसे याद कर लें और वही पॉइंट जो है आप पेपर के अंदर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।